Hello guys, today I have received another parcel from Dilraz. जैसे मैंने ऑर्डर किया था एक मेकअप फिक्सर, ठीक है, और ये है वो मेकअप फिक्सर जो मुझे आज रिसीव हुआ है. ये एलोवेरा का है, इसमें एलोवेरा एक्सट्रैक्ट्स हैं और ये किस ब्यूटी का है. तो क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है और दूसरी सेंसिटिव भी है, तो इसलिए मैं एलोवेरा एक्सट्रैक्ट्स वाले प्रोडक्ट जिसमें एलोवेरा एक्सट्रैक्ट्स होंगे तो मैं वो वाले प्रोडक्ट्स यूज़ करना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि उसे स्किन में जो है ऑयल सिक्रीशन इतनी ज़्यादा नहीं होती और उसे स्किन ड्राई रहती है. तो देखते हैं कैसा है ये. ये है बॉटल में और यहाँ पे इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग फॉर्मूला ऑर्गेनिक एलोवेरा विल डिलीवर फास्टर रिजल्ट देन रेगुलर एलोवेरा जेल, एब्जॉर्ब्स रैपिडली. दैट इज़ व्हाट आई वांट, कि जो मेरे स्किन के ऊपर ना रहे और जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाए मेरे स्किन में. और एलोवेरा स्प्रे डज नॉट लीव अ लेयर ऑफ एन आर्टिफिशियल थिकनर और ऑन योर स्किन, इट एब्जॉर्ब्स रैपिडली लीविंग योर स्किन स्मूद एंड सिल्की. तो यही मैं चाहती हूँ कि मेरी स्किन पे एक एक्स्ट्रा लेयर ना रहे अगर मैं मेकअप अप्लाई करूँ तो वो ब्लेंडेड लगे. तो इसलिए मैंने ये वाला इस बार ऑर्डर किया है और इसका रिव्यू मैं यूज़ करने के बाद दूंगी इंशाल्लाह. तो मैं इसको यूज़ करके बताऊंगी. पहले मैं रिवाज का यूज़ करती थी बट आई डिडंट लाइक इट, वो मुझे इतना पसंद नहीं आया. तो अब ये वाले देखते हैं कि इससे ड्राई लुक आएगी समर्स में या नहीं और मेकअप कितने देर तक स्टे करता है. तो देखते हैं इसको, इसकी स्मेल देखते हैं कि इसकी स्मेल कैसी है. ये पंप में है. इसकी फ्रेग्रेंस भी काफ़ी अच्छी प्लेजेंट है, एलोवेरा जेल जैसी प्लेजेंट और फ्रेश. तो इसको यूज़ करने के बाद इंशाल्लाह मैं आपको इसका रिव्यू दूंगी, इसका रिज़ल्ट कैसा आया तो उसको फिर हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में. और दूसरा मैंने पार्सल ऑर्डर किया था सलोटो से, जिसमें मैंने चप्पल ऑर्डर किए हैं फरीद. देखते हैं कि कैसे. इसकी प्राइस ओरिजिनल प्राइस 5000 थी और ये लेटेस्ट कलेक्शन में मैंने ऑर्डर किया है और अब इसकी सेल में डिस्काउंटेड प्राइस जो है वो है 2500. देखते हैं. सो ये मैंने गोल्ड में ऑर्डर किया है और मैंने ये शू टाइप चप्पल इसलिए ऑर्डर किया ताकि इससे टो ज़्यादा स्प्रेड ना हो और मुझे वो ओपन चप्पल ज़्यादा सूट नहीं करते, क्योंकि उसे मैं अनकंफर्टेबल रहती हूँ, टो में डस्ट वगैरह आती है तो आई डोंट फील कंफर्टेबल इन दैट. सो मैं ऐसे क्लोज्ड शूज़ या चप्पल पसंद करती हूँ. इसकी ये ब्लॉक हील है और
ये ऐसे हैं। तो चले मैं आपको ये पहन के दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये ऐसा लग रहा है। सो वीवर्स, ये था चप्पल जो मुझे मैंने ऑर्डर किए थे सलोटो, और मैंने आपको ये पहन के दिखाया। सो टेल मी हाउ आर दे लुकिंग, और ये किस ब्यूटी का जो मेकअप फिक्सर है, तो ये मैंने आपको दिखाया, ठीक है। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, बाय बाय।